आज हम बनाने जा रहे हैं सॉफ्ट और स्पंजी चॉकलेट केक। ये केक कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है आप देख सकते हैं। इसी के साथ हम बनाएंगे चॉकलेट गनाश और केक और पेस्ट्री की सिंपल और इजी डेकोरेशन करेंगे। इसी के साथ ही केक डेकोरेशन करने से पहले केक के स्पॉन्ज के ऊपर जो पानी डाला जाता है उसमें यह एक इंग्रेडिएंट डालने से केक का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो क्या है आपको मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम केक बना लेंगे। केक बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले ली है पुरानी कढ़ाई। इसमें मैं सिर्फ बेकिंग करती हूँ। इसके अंदर हमने स्टैंड रख दिया है और इसे ढक देंगे। ढक कर इसे 10 मिनट अच्छे से गर्म कर लेंगे मीडियम फ्लेम में। जब तक ये गर्म हो रहा है तब तक हम केक बनाने की तैयारी कर लेते हैं। केक बनाने के लिए हमने एक बाउल ले लिया है। इसमें हम डाल रहे हैं बिना फ्लेवर का ऑयल। ऑयल में कोई भी फ्लेवर नहीं होना चाहिए। इसी के साथ इसमें हम डाल रहे हैं दही। दही ताज़ा ही होना चाहिए। फ्लेवर देने के लिए हमने इसमें डाल दिया है वनीला एसेंस। अब हमने ले ली है एक छननी। इसके ऊपर डाल देंगे हम पीसी हुई चीनी और इसे अच्छे से छान लेंगे। छानने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे कम से कम 2 मिनट तक हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। 2 मिनट अच्छे से फेंटने के बाद अब एक बार फिर से हम छन्नी रख देंगे और इसमें हम डाल देंगे गेहूं का आटा। आप इसकी जगह मैदा भी ले सकते हैं या फिर दोनों इक्वल क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। इसी के साथ इसमें हमने डाल दिया है कोको पाउडर। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से छान लेंगे। अच्छे से छानने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें धीरे धीरे दूध ऐड करते जाएंगे और मीडियम थिक बैटर तैयार कर लेंगे। एक बात ध्यान में रखिएगा, इसमें एक साथ दूध ना डालिएगा नहीं तो लम्स पड़ जाएंगे। और साथ में ही दूध ना तो फ्रिज का होना चाहिए और ना ही गर्म होना चाहिए, एकदम रूम टेम्परेचर में रखा होना चाहिए। मैंने मेजरमेंट के साथ सभी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ये देखिए मीडियम थिक बैटर तैयार हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। इसे भी छान लेंगे और मिक्स कर लेंगे। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा एकदम लास्ट में ही डालिएगा जब हमने बेकिंग करनी है, पहले से डाल के ना रखिएगा नहीं तो केक फ्लफी नहीं होगा। बैटर तैयार है और हमने पेस्ट्री बनाने के लिए इस तरह की ये टीन ली है। इसके अंदर हमने बटर पेपर लगा कर ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया था। इसमें हम बैटर को डाल देंगे और इसे हम टैप कर लेंगे। अच्छे से टैप कर लें ताकि इसके अंदर कोई एयर बबल्स ना रहे। हमने जो कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखा था इसमें हम केक टीन को रख देंगे और ढककर इसे बेक कर लेंगे लगभग 45 मिनट। स्टार्टिंग के 25 मिनट फ्लेम को हम लो रखेंगे और उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये केक कितना ही ज़्यादा फ्लफी हो रहा है और ये ऊपर ढक्कन को भी टच कर गया क्योंकि ढक्कन छोटा था। आप ध्यान रखिएगा इस बात का कि आप ढक्कन थोड़ा सा बड़ा ही लीजिएगा। केक को हमने 45 मिनट बेक कर लिया है, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हम इसमें टूथपिक डालेंगे और ये देखिए एकदम क्लियर आ रही है, इसका मतलब केक अच्छे से बेक हो चुका है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए एक तरफ रख देते हैं। इसी तरह से हम दूसरा केक भी तैयार कर लेंगे। मैंने केक और पेस्ट्री का बेस बनाने के लिए सेम इंग्रेडिएंट्स और सेम ही क्वांटिटी ली थी। 45 मिनट बेक करेंगे, स्टार्टिंग 25 मिनट लो फ्लेम में और बाकी मीडियम फ्लेम में। और ये देखिए हमारा ये दूसरा केक भी तैयार है। हमने जो पहला केक बनाया था वो ठंडा हो चुका है, अब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये केक कितना ही ज़्यादा स्पॉन्जी बना है, ये उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट भी बना है। इसी के साथ ही हमारा दूसरा केक भी अच्छे से ठंडा हो चुका है, इसे भी हम डीमोल्ड कर लेंगे। और ये देखिए ये केक कितना ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पंजी और एकदम मॉइस्ट बना है, आपको देखने से ही पता चल सकता है। हमारा केक और पेस्ट्री का बेस तैयार है, अब हम बना लेते हैं चॉकलेट गनाश। चॉकलेट गनाश बनाने के लिए हमने एक पैन ले लिया है। पैन के नीचे गैस को ऑन नहीं किया है। इसमें हम डाल रहे हैं पीसी हुई चीनी, चॉकलेट पाउडर, कॉर्नफ्लोर और दूध। दूध थोड़ा थोड़ा डालिएगा, एक साथ दूध ना डालिएगा नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। इसे हम मिक्स करते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे। ये देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें सारा दूध डाल देंगे और फ्लेम को ऑन कर लेंगे। फ्लेम को हमने लो टू मीडियम रखा है और इसमें लगातार करछी चलाते रहना है नहीं तो इसमें लम्स पड़ना शुरू हो जाते हैं फटाफट से।
एक मिनट पकाने के बाद अब हम फ्लेम को लो कर लेंगे और इसमें लगातार कड़छी चलाते रहें। कम से कम 2 मिनट और पकाने के बाद आप देख सकते हैं ये पहले से गाढ़ा हो चुका है। बस अब हम इस स्टेज में इसमें डाल देंगे बटर, इसे मिक्स कर लेंगे, 1 मिनट और पकाएंगे लो फ्लेम में ही। ध्यान रखिएगा इसमें कड़छी चलाते रहना है। 1 मिनट और पकाने के बाद हमारा ये चॉकलेट गनाश तैयार है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, सेम इसी तरह की रखिएगा। इससे ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए एक बाउल में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हम एक पाइपिंग बैग को ग्लास के अंदर डाल देंगे और इसके अंदर डाल देंगे हम चॉकलेट गनाश। हमारा ये डार्क चॉकलेट गनाश तैयार है। अगर आप व्हाइट चॉकलेट गनाश या मल्टी कलर में गनाश की रेसिपी चाहते हैं तो वो मेरे चैनल में ऑलरेडी है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अब हम केक और पेस्ट्री को डेकोरेट कर लेंगे। डेकोरेट करने के लिए हम केक को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और पेस्ट्री बनाने के लिए भी हम केक को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। केक के ऊपर जो एक्स्ट्रा केक है उसे भी हम कट कर लेंगे। केक के बेस के ऊपर जो पानी डाला जाता है उसे बनाने के लिए हमने 1/2 कप पानी लिया है। इसमें हमने 1 चम्मच पीसी हुई चीनी, 1/2 चम्मच कोको पाउडर डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम केक या पेस्ट्री के बेस के ऊपर डालेंगे तो केक का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और एकदम मॉइस्ट बनता है। केक और पेस्ट्री के लेयर्स सेम इसी तरह से हम बनाएंगे। मैं इस केक को बिल्कुल सिंपल वे में डेकोरेट करी हूँ। आप अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार और भी ज़्यादा अच्छा इसे बना सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने जो चॉकलेट गनाश बनाया था वो कितना ही अच्छा बना है। केक को हमने अच्छे से डेकोरेट कर लिया है। अब हम पेस्ट्री तैयार कर लेते हैं। पेस्ट्री बनाने के लिए हमने पेस्ट्री को अच्छे से क्रीम से पहले कवर कर लिया और उसके ऊपर हमने चॉकलेट गनाश लगा दिया और इसे भी हमने अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा और चॉकलेट गनाश डालेंगे और हमारी ये पेस्ट्री भी तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, बर्थडे पे बनाएं या किटी पार्टी पे या फिर किसी भी फंक्शन या ओकेजन में बना सकते हैं। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।